आजमगढ़ के भाजपा कार्यालय में सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ने भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और भाजपा के शीर्ष नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के पुण्यतिथि पर पुष्प अर्पित उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर भाजपा के कई शीर्ष नेता कार्यकर्ता भी मौजूद रहे और पुष्प अर्पित करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। हमने आजमगढ़ एयरपोर्ट, आजमगढ़ के ताजा हालात और 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के एजेंडों के बारे में बात की। देखिए माननीय सांसद जी ने क्या कहा। देखिए 2024 का जो चुनाव होगा वो माननीय मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत में जो का गौरव जो बढ़ा है पूरे दुनिया में, जो मोदी जी ने देश को भ्रष्टाचार मुक्त किया है। पहले की सरकारों में रोज घोटाले होते थे, 9 वर्षों में मोदी जी ने पूरे दुनिया में भारत को एक अच्छी तस्वीर दिया और आज घोटालों से आज मुक्ति दिलाने का काम माननीय मोदी जी ने किया है। जब दुनिया के किसी देश में जा रहे हैं तो वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष उनको पैर छू रहा है, कोई उनको अपना बॉस कह करके संबोधित कर रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति उनसे ऑटोग्राफ ले रहा है, तो पूरे दुनिया में एक मान सम्मान स्वाभिमान भारत को बढ़ाए। दूसरा, आज एक गरीब के घर में भी आज राशन है, नमक तेल चीनी तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है, बिटिया के अनपराशन से लेकर शादी तक की व्यवस्था आज सरकार कर रही है। तो आज सरकार के प्रति जो विश्वास बढ़ा है, तो मोदी जी के नेतृत्व में हम लोग 2 बार चुनाव जीत चुके हैं लोकसभा के, ये तीसरा चुनाव माननीय मोदी जी के नेतृत्व में होने वाला है। अभी तक मोदी जी के लोगों ने लहर देखा है, इस बार सुनामी बहेगी और 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी। सुनामी की बात कर रहे हैं तो पूरे जो है कि भारत की जितनी भी पार्टियां हैं एक हो गई है इंडिया करके और बोल रही है कि हम 70% हमारी आबादी है और 30% में वो उनको हरा के रहेंगे, इस पे क्या कहना चाहेंगे। देखिए इसका सबसे बड़े उदाहरण यहाँ पर जो है दिनेश लाल निरहुआ जी है, ये समाजवादी पार्टी के गढ़ माना जाता था, ये किला कभी ध्वस्त नहीं होता था, इन्होंने ध्वस्त किया कि नहीं किया, तो आप उनका एक भी किला जो उधर वाला बचा है वो किला भी अब ध्वस्त हो जाएगा। 80 की 80 सीटें भाजपा जीतेगी और ये जो आप इंडिया कह रही हैं, इंडिया नहीं है, ये I.N.D. तो ये .India है। इसमें जो सारी पार्टियां एक हो गई हैं, एक एक इंसान को एक पार्टी को जीता हराने के लिए के, इसमें क्या कहना चाहेंगे। उसपे बहुत अच्छा नाम दिया है उन लोगों को हमारे प्रधानमंत्री जी ने कि वो जो गठबंधन है वो घमंडिया गठबंधन है, वो खाली कह रहे हैं इंडिया पर वो घमंडिया है, क्योंकि नाम बदलने की आवश्यकता किसको पड़ती है, नाम बदलने की आवश्यकता उसको पड़ती है जो मार्केट में बदनाम हो जाता है, जो लूट करता है, भ्रष्टाचार करता है, लोगों के साथ दगा करता है, तो अब वो कैसे जाए, कैसे समाज में मुंह दिखाए, तो नाम बदल लिए। नाम बदलने से नहीं होगा, उनको नीयत बदलनी चाहिए थी, पर उनकी नीयत तो बदलती नहीं है। वो भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, वो तुष्टीकरण करने वाले हैं, वो जातिवाद करने वाले हैं, वो परिवारवाद करने वाले हैं, और देश की जनता ने इस देश को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए तय कर लिया है कि तुष्टीकरण खत्म करेंगे, परिवारवाद खत्म करेंगे, जातिवाद खत्म करेंगे, और 2047 तक हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक विकसित देश बनाएंगे, यही प्रण लेके हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी की बात करें तो वो मणिपुर में जब हुआ था तो वहां पर पहुंचे थे, एक किसान वायरल हुए जो ठेला से जा रहे थे और टमाटर की वजह से रो रहे थे, उनका भी उन्होंने उनके घर जाकर के उनसे हाल चाल लिया, काफी वायरल वो भी हुआ। तो इस तरह की चीजें लोग मोदी जी से भी एक्सपेक्ट करते हैं कि जब किस तरह की घटनाएं हो तो वहां पर जाकर के संज्ञान ले, थोड़ा सा उसके बारे में बातचीत करें, ऐसा मोदी जी क्यों नहीं करते। मुझे लगता है कि मोदी जी जितना संज्ञान लेते हैं कोई नहीं लेता है, वो घटना का संज्ञान दिखावा करना आप कह रहे हैं ज्यादा जरूरी नहीं है, दिखावा करना जरूरी नहीं है, वो संज्ञान में लेते हैं और गृह मंत्री जी खुद जाते हैं, गृह मंत्री जी जा करके वहाँ अपने मंत्रियों को वहाँ छोड़ के लगा करके और सब कुछ दिल्ली में आने के बाद भी लगातार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से नज़र रखे हुए थे। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताता हूँ कि जो लोग जा करके वहाँ आज प्रदर्शन कर रहे हैं, जो लोग दिखावा कर रहे हैं, अगर आप खोजिएगा तो वहाँ जो हो रहा है उसकी जड़ में वही लोग है, वही कांग्रेस है, उन्हीं की बोई हुई बीज है जो आज वहाँ पर ऐसा हो रहा है। आजमगढ़ की बात करें तो आजमगढ़ को लेकर के 2024 के चुनाव की क्या क्या रणनीतियां हैं। आजमगढ़ में देखिए विकास हो रहा है, जब से कमल खिला है 1 साल हुआ,
जो 50 साल में काम नहीं हो पाया वो एक साल में यहाँ आजमगढ़ में हुआ है। अभी देखिए माननीय मंत्री जी को हम लोग पकड़ के लाए वहाँ से मऊ से, और हम लोगों ने इनसे हाथ जोड़ा और इनसे निवेदन किया कि हमारे मुबारकपुर का जो रोडवेज है उसका उद्घाटन करेंगे और वहाँ से जो है प्रदेश के लिए बहुत सारी बसों को चलाने का काम करेंगे। तो हम लोग ये विकास करने वाले लोग हैं और विकास करके ही जनता के बीच में हम जा रहे हैं कि भैया आप लोगों को बहुत ठगा गया, अब आप मत ठगाइए, अब सीधे सीधे कमल के साथ आए हैं, कमल के साथ रहिए। और जब विकसित भारत बने, जब भारत नंबर वन बने, उत्तर प्रदेश नंबर वन बने, तो हमारा आजमगढ़ भी साथ में नंबर वन बन जाए। एक लोगों का मैंने इंटरव्यू किया तो वो बोल रहे थे कि मुझे, हम लोग चाहते हैं, सारी पार्टियां चाहती है कि देश में राष्ट्रपति शासन लागू हो और उत्तर प्रदेश के चार टुकड़े हो, पूर्वांचल एक अलग राज्य बने और यहाँ की राजधानी आजमगढ़ हो, इस पे क्या कहना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, ये सब फालतूगिरी है। और क्या होता है कि हर आदमी के हिसाब से नहीं होगा ना, ये देश पूरे नहीं, वो संविधान की बात कर रहे, तो क्या संविधान इतना हक देता है कि मतलब इतना आप ज्यादा सोच लीजिए। अरे ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ हर आदमी का अपना अपना विचार है, अपना अपना मत है। अब किसका क्या मत है, क्या विचार है, वो हम तो नहीं बदल पाएंगे ना, वो तो उसी से पूछिए वो क्यों चाहता है ऐसा। आजमगढ़ एयरपोर्ट की बात करें तो एक साल होने वाला है उनको आंदोलन चलते हुए, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 7 तारीख को DGCA के लोग आ रहे हैं, जैसे ही आजमगढ़ एयरपोर्ट को लाइसेंस मिलेगा यहाँ से हम उड़ान शुरू करेंगे। इंटरनेशनल वाली बात, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी बनेगा और उसके लिए किसानों से बात करके और उनको 4 गुना पैसा दे करके उनकी जो मांगे हैं उसको पूरी करते हुए और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा आजमगढ़ में बनेगा, निश्चित रूप से बनेगा, मंदिर में ही बनेगा, 100% बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बात करने के लिए।